तो मेरी पिछली वीडियो में Here we go again. पिछली वीडियो में मैंने बोला था 5 लाइक ऑन दिस वीडियो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन टोनी कक्कड़। 5 लाइक से वीडियो अपलोड करने से पहले अपने फेक अकाउंट से मैं खुद ही कर चुका था। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब क्या है सर? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इसका मतलब टोनी कक्कड़ पे वीडियो बनना तय था। और फिर 4 दिन कड़ा परिश्रम, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, इतनी मेहनत के बाद टोनी भैया पे वीडियो फाइनली रेडी हो चुकी थी कि अचानक मुझे यूट्यूब से एक ईमेल आता है। वो ईमेल जिसने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ढिंचक पूजा ने मेरी लास्ट वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की कोशिश करी। ढिंचक पूजा की उन 2 वीडियोस पे मिला के 6 लाख व्यूज थे, लेकिन हमारी वीडियो के बाद आज उन 2 वीडियोस पे 12 लाख व्यूज है, डबल। एंड फिर भी उसने हम ही पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की कोशिश करी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या किया जाए। ढिंचक पूजा भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकती है, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और YouTube को एक ईमेल लिखा कि YouTube इस वीडियो में कुछ गलत नहीं है, कृपया इस वीडियो को रिव्यू करें। एंड गेस व्हाट, YouTube बाबा ने हमारी सुन ली, चैनल से वीडियो डिलीट नहीं हुई, कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच YouTube, आई लव यू। लेकिन तब भी आई रियलाइज कि अगर ढिंचक दीदी कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकती हैं, तो टोनी भैया तो उनसे बहुत बड़ा ब्रांड है, वो भी तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हैं। अब मैं धर्म संकट में पड़ गया कि क्या मुझे टोनी भैया वाली वीडियो पोस्ट करनी चाहिए या नहीं। तो फिर मैंने ना यूट्यूब के कुछ महाज्ञानी, बिग ब्रेन, शक्तिमान, बुद्धिमान, मैं कहता हूँ पुरुष नहीं महापुरुष लोगों से सलाह ली। सोचो जब ढिंचक पूजा स्ट्राइक मार सकती है तो टोनी कक्कड़ तो कितना बड़ा ब्रांड है। तुझे याद है मुझे 3-4 महीने पहले स्ट्राइक आई थी, मेरी बहुत पटी थी। तेरे चैनल पे तो ऑलरेडी 1-2 स्ट्राइक्स है, अगर अभी स्ट्राइक आई ना तुझे तेरा चैनल गायब हो जाएगा। रिस्क मत ले, गलती से भी स्ट्राइक आई ना निश्चय मैं तेरे को मेरे चैनल पे नहीं ले रहा। मत कर, तू मैं बोल रहा हूँ। सभी के सजेशंस के परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद आई डिसाइडेड बैकअप। बैकअप पिक्चर बंद, पिक्चर बंद, बैकअप भाई, बैकअप आपका बैकअप। लेकिन अगर टोनी भैया पे नहीं तो किस पे वीडियो बनाऊंगा मैं? कंटेंट अब तो टिकटॉक भी नहीं है जिसपे वीडियो बना सकूं मैं, कहां से लाऊं कंटेंट? कंटेंट की खोज में दर दर भटका मैं, लेकिन कंटेंट कहीं नहीं मिला। कंटेंट एंड मैं तो बस हार मानने ही वाला था कि अचानक मुझे एक फोन कॉल आता है। हेलो हेलो सर, क्या ये ट्रिगर्ड इंसान बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ तो सर आप एक काम करिए, आप मौज ऐप पे वीडियो बनाइए, उस पे कंटेंट ही कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। बाजीगर मैं बाजीगर, अभी बजा आएगा ना भिड़ो, पहले से रागिन निकाली मुन्ना पे डोला। तो क्या आप ये करेंगे? अरे ये कोई पूछने वाली बात है, ऑब्वियसली करूंगा। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहाँ पे हम देखते हैं मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। माइला कोत्रिया, यह देखने के बाद ना मैं कौन है, कहाँ है वो, कहाँ है वो जिसने जब टिकटॉक बैन हुआ तो मुझे बोला था हाय तुम्हारा जिंदा तो अभी चौपट हो जाएगा क्योंकि टिकटॉक तो बैन हो गया। कौन है वो? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। इस वीडियो का लॉजिक क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? लड़का आके लड़की को प्रपोज करता है, लड़की ऐसे इनकार कर देती है उसको, उसके बाद 4 लोग आके लड़की के अराउंड रिंगा रिंगा रोजेस करने शुरू कर देते हैं, तो लड़की पड़ जाती है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 1 सेकंड पहले नो 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 रिंगा रिंगा रोजेस करते ही ओ यस नाउ नाउ यू डू रिंगा रिंगा रोजेस नाउ अप्रूव्ड, अभी मुझे तुम्हारा प्यार स्वीकार है, बिकॉज रिंगा रिंगा रोजेस ओपी। तो लड़की पटाने के लिए आज से साला अभी समझ आया तक सिंगल क्यों, गजब बेइज्जती है। This is
बहुत फनी था। क्यों 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 आप भी हंसो। क्यों 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 आप भी हंसो। क्यों 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 हगू तू भी हंस। क्यों 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 बैकग्राउंड में लाफ ट्रैक लगाया था उन्होंने। पहले टिकटॉक पे भी यही होता था, किसी भी वीडियो के पीछे ऐसा लाफ ट्रैक लगा देते थे, वो अजीब सा वाला, तो वो फनी हो गया। अब मौज पे भी हर दूसरी वीडियो जो मैंने देखी है उसके पीछे लाफ ट्रैक लगा देते हैं, सो इट इज सपोज्ड टू बी फनी। हंसो भाई हंसो। हे ब्रो आई गॉट दिस न्यू आईफोन। ई ससुरा ई का बोले तो रे। मैं समझाता हूँ आई गॉट मतलब मैं बकरी हूँ, ससुरा मुंडे से भी लगता है आईफोन। ई इसकी अम्मा का फोन है, अंडी भाई का फोन है। मैं हंस रहा हूँ गाइस, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं अंदर ही अंदर सच बता रहा हूँ, मैं इतना हंस रहा हूँ मर जाऊंगा। मैं इतनी हंसी आ रही है मुझे, बाप रे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आपको नहीं आ रही क्या? तफ फनी था, लाफ ट्रैक लगाया था उन्होंने। आज के बाद मैं भी हर लाइन हर जोक के पीछे लाफ ट्रैक घुसेड़ दूंगा। पापा मुझे आपको कुछ बताना था। क्या बेटा? अरे फोन रखो ना, मुझे आपको कुछ बताना था। बोलो। मैंने शादी कर ली पापा। तूने? हाँ पापा। वो कौन सी बदकिस्मत है बेचारी जिसने तेरे से शादी कर ली। लग गए। सब गरीब को कुछ खाने को दो ना। सब कुछ खाने को दो ना। मैं गरीब हूँ। सब मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। थैंक यू सब। थैंक यू सब। मैं यू फनी। हंसू या राय हंसू। अबे हंसो। ओ बिचारी मैं गरीब हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कहाँ चल रहा है ये? कहाँ चल रहा है? फॉर्म चल रहा है। ये इन लोगों के माँ बाप कहाँ है यार? इनको जरा बांध के रखा करो घर पे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा? ये किसको फिर नहीं लगता है? कौन है वो भाई? कौन है? तुमको पता है? नहीं नहीं पता मुझे, मुझे जानना भी नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। कि हम लोग पानी क्यों पीते हैं? क्यों? क्योंकि पानी खा नहीं सकते इसलिए पीते हैं। बचपन से ही इंटेलिजेंट हूँ पर कभी घमंड नहीं किया। हो क्या जोक सुना है? कभी घमंड नहीं किया हो। इस चिरांद से लौंडे के ना पप्पा भी इसकी वीडियोस देख के बोलते होंगे, ये मेरी औलाद नहीं है, ये मेरी औलाद हो ही नहीं सकते। एक सेकेंड का मुहासिर बना दिया। इतना क्रिंज मैं अपनी लाइफ में नहीं किया जितना इस 25 सेकंड की वीडियो को देख के क्या। रोम रोम से क्रिंज वर्ड भी नहीं आ रहा मेरे को। पहले उसका उसके साथ सेटिंग करा देती है, फिर उसके बाद कुछ जल जाती है, फिर उसको थप्पड़ मार देता है, फिर उसके बाद बोले छी इतना बुरा था नहीं है मेरे को। फिर से एक सेकेंड पहचान कौन चंदा भी नहीं सोनी भी नहीं। अबे खुफिया पंती क्या कर रहे? जूली बोल रही हूँ। रख रख तेरी
माँ की राख। गाइस टिकटॉक बेशक चला गया हो लेकिन घबराने की बात नहीं है, मौज आ चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।